देख लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक दोस्त की शादी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना प्यारा अंसर अब्बास। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अदर लाइफ। अच्छा दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रंगपुर शादी पे, तो मेरे साथ नूर भाई हैं, मैं हूं और हम दोनों जा रहे हैं शादी पे। कैसे कि हम घर से जैसे रवाना हुए, पहले हम रास्ते में रुके, काशी बलोई से थोड़ी सी मुलाकात की, उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने सफ़र पे, अपनी मंजिल पे, शादी पे जा रहे हैं। और जो कुछ भी हम वहाँ जाके करेंगे शादी पे, जिसके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे मुजफ्फर भाई? हाँ इंशाल्लाह। और एक दो दोस्तों के इंटरव्यू भी करने हैं, शेर समान वालीबाल के बहुत बड़ा नाम है, उसका इंटरव्यू करना है। और इंशाल्लाह आरजे पाकिस्तान की जो आवाज़ है मुजफ्फरगढ़ की सबसे बड़ी आवाज़, उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे। और एक दो दोस्त और भी हैं, उनके भी इंटरव्यू करने हैं इंशाल्लाह। और रंगपुर का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है वसीम बेला नवाब, उसका भी इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। तो अब ये हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। दोस्तों चलते हैं, काशिफ बलोच का इंटरव्यू जो होगा वो हम वापसी पे करेंगे। हाँ ठीक है, हम वापसी पे काशिफ बलोच का हम इंटरव्यू करेंगे। अब हम सफ़र पे रवाना हो रहे हैं, आप दोस्तों की दुआ चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा सफर खैर वियत से करे। ठीक हो गया, ये सही है। आप हमारे ड्राइवर हैं, क्या नाम है, अंसर भाई, बाइक चला रहे हैं, वन व्हीलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अभी बढ़ नहीं पाई। तो इस डाले वाले के पास रुकते हैं, क्योंकि इसके पास हमारी गाय है, तो वो गाय देख कर फिर हम चल रहे हैं। मर्जी है गोदा, इतनी देर ला गए जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे रुके। जी जी आज लिए है, बड़े भाई ने लिए है, तो बड़े भाई ने मुझे कहा था कि गाय आ रही है, इसे डाले से उतार के मतलब हर बांध, तो डाले वाले ने ना लेट कर दिया। आपको पता है ये इधर बैठ रहा चाय पीने के लिए, ये कर रहा, मैंने कहा शादी में जाना।
वीडियो बनाते हैं बीच को लोग पे सराय की जबान में तो कहते हैं इंडोमिन भी वही नहीं है और उन्होंने रीच को फोन लगाए हुए और रीच ने बाहर से मुंह निकाला हुआ था। हम जैसे ही उसके कैमरे को देखा उसने अपने मुंह को अंदर कर लिया। अभी दोबारा उन लोगों ने रीच ने आप दोबारा मुँह बाहर निकाल लिया। आप लाइव दिखा रहे हैं, आप देखें और लाइक करें और अच्छे अच्छी कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखें रीच ने दोबारा फिर कैरी डब्बे के अंदर कर लिया। देखिए दोस्तों, हमने एक दोस्त के पास आना था फाद भाई के पास, तो हम फैमिली फाद भाई के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। अब दरवाजा खटखटा चुके हैं फाद भाई, मुझे लगता है आ चुके हैं फाद भाई से मुजफ्फर भाई मिल रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फर भाई के दोस्त हैं। फाद भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं फाद भाई को, ये मुजफ्फर भाई ऐनक नहीं भाई, ये बकरे हैं।